अगर आपको भी हमारे नए वीडियोस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोस के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटे बटन को जरूर दबा दें। नया मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद देश में भारी भरकम चालान पर चीख पुकार मची है, लेकिन यूपी के पुलिस वाले आज भी बेफिक्र बेपरवाह घूम रहे हैं। आज भी ज्यादातर पुलिस वालों को हेलमेट लगाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, वो भी तब जबकि यूपी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगर पुलिस वाले ट्रैफिक नियम तोड़ते पाए जाएंगे तो उन पर दोगुना जुर्माना लगेगा। लेकिन बाराबंकी के दारोगा जी को जैसे इसका डर ही नहीं है, जब पूछा तो कहने लगे कैप तो लगा रखा है। बिना हेलमेट के आप चल रहे हैं? कैप लगाए? कैप से क्या होता है? हेलमेट सुरक्षा के लिए होता है, कैप सुरक्षा आपको कहाँ देगी? चलिए ठीक है साहब। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दारोगा जी ड्यूटी में देरी का बहाना बनाकर निकल गए। वहीं वाराणसी की बात करें तो वहां के पुलिस वाले भी धड़ल्ले से कानून तोड़ रहे हैं और इनका चालान करने वाला भी कोई नहीं है। हेलमेट नहीं लगाया आपने? हेलमेट छूट गया है, भूल गए हैं। तो हेलमेट है, भूल गए हैं। अच्छा, तो आपको मालूम है कि हाँ हेलमेट लगाया, जुर्माना है। हाँ हाँ, उसके बावजूद नहीं लगा रहे हैं? नहीं लगाए, भूल गए हैं ना। अब आगे से लगाएंगे? हाँ। पकड़े जाने पर पुलिस वाले भी आम लोगों की तरह ही बहानेबाजी कर रही हैं। हेलमेट क्यों नहीं लगाए? क्या भैया? हेलमेट क्यों नहीं लगाए? जी अभी अभी तो आ रहे हैं भाई साहब। आप सड़क पे हैं, गाड़ी पे सवार? नहीं नहीं, हम तो बाइक निकाल रहे हैं अभी। तो हेलमेट कहाँ है आपका? जी मंगाए हुए हैं। अभी तो आप बाइक स्टार्ट कर लिए थे जाने के लिए? अभी तो हम साइड निकाल रहे हैं। इनकी बाइक में पुलिस बड़े अक्षरों में लिखा है, लेकिन नंबर प्लेट मानक नहीं है। इस पर लिखे अक्षर मोटर वाहन कानून के मुताबिक नहीं है। ऐसे ही तमाम पुलिसकर्मी हैं जो यूपी में डबल जुर्माने के सख्त निर्देश के बाद भी ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं।